नमस्कार जीएसटीवी ની સાથે હું છું સોના નજર કરી ફાસ્ટ ટ્રેક ન્યૂઝ પર તો મળતી માહિતી મુજબ 29 થી 31 ઓક્ટોબર સુધી પીએમ મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે છે જેમાં પીએમ મધ્ય ગુજરાત સહિત ઉત્તર ગુજરાતમાં જનસભા સંબોધન કરશે તેમજ કેવડિયા કોલોનીના એકતા નગરના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના જન્મદિવસની ઉજવણી કરશે महत्वनुं छे के आगामी दिवसों में पीएम ना कार्यालय थी पीएम ना कार्यक्रम नी रूपरेखा तैयार कराई छे चूंटणी पहलाना अंतिम प्रवास दरमियान महत्वना प्रोजेक्ट नो लोकार्पण करवाना छे टेट वन अने टेट टू नी परीक्षा ने लईने विद्यार्थी परिषदे खास मांग करी छे तो बीएड ना अंतिम वर्ष में अभ्यास करता विद्यार्थियों ने टेट वन अने टेट टू नी परीक्षा माटे योग्य गणवानी मांग करी छे आ मुद्दे विद्यार्थी परिषदे राज्यना तमाम जिला कलेक्टर मार्फते शिक्षण मंत्री समक्ष रजूआत करी छे त्यारे विद्यार्थियों साथे अन्याय न थाय अने विद्यार्थियों ने परीक्षा आपवानो मौको मळे ते माटे विद्यार्थी परिषदे आ मांग करी छे महत्वनुं छे के नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एज्युकेशन ना परिपत्र मुजब आगामी दिवसों में टेट वन अने टू नी परीक्षा योजाशे सूरत महानगरपालिका की सामान्य सभा में होबाड़ो थयो त्यारे विपक्ष ने भाजपना नगरसेवको सामसामे सूत्रोच्चार अने नारेबाजी करी हती तो पालिका की सामान्य सभा में वधाराना 93 कामो रजू करवामां आवता विपक्षे सवाल कर्यो तो जीरो अवर्स में विपक्ष ने बोलावामां न देता सभाखंड में ज विपक्षे धरना शुरू करी देता होबाड़ो थयो हतो तो सुरक्षाकर्मीओए टींगाटोड़ी करीने विपक्षी सभ्यों ने बहार लई जता भाजप सामे भारे सूत्रोच्चार कर्या हता तो राजकोट नी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ना परीक्षा नियामक निलेश सोनी अचानक राजीनामु आप्यो पेपर लीक प्रकरण मा कॉलेज नु नाम जाहिर थाय ते पहला ज राजीनामु आपी देता विद्यार्थियों मा तर्क वितर्क शुरू थया छे तो निलेश सोनी कुलपति गिरीश भेमाणी ना राजीनामु आपवाना हता जो के कुलपति ना आवता आखरे महकम विभाग मा राजीनामु आप्यो तो मळती माहिती प्रमाणे कुलपति पेपर लीक मामले तपास ना आदेश ने पगले मौखिक सूचनाओ आपीने धमकावता होवाना आक्षेप करवामां आव्या होवानी चर्चा छे त्यारे परीक्षा नियामकना अचानक राजीनामाने लईने लोकोमां चर्चाओ शुरू थई छे तो सूरतमां मोड़ी रात्रे सूरत महानगरपालिकाए सूरत रिंग रोड स्थित सहारा दरवाजा पासे डिमोलेशन करवामां आव्युं वर्षो जूनी बीबी अम्मानी अने हाजी युसुफनी दरगाहमां काड़ीना मंदिरनुं डिमोलेशन पोलीसना चुस्त बंदोबस्त वच्चे करवामां आव्युं तो फ्लायओवर बनावा दरगाह अने मंदिर वच्चे पड़तुं होवाथी पोलीसना चुस्त बंदोबस्त वच्चे शांतिपूर्वक डिमोलेशननी कामगीरी पूर्ण करवामां आवी મોરબીમાં રખડતા આંખલાનો આતંક સીસીટીવીમાં કેદ થયો તો સમકાંઠા વિસ્તારમાં આવેલ લક્ષ્મીનારાયણ સોસાયટીમાં આંખલાએ બાળક પર હુમલો કર્યો માતાએ બાળકને બચાવવાના પ્રયાસ કરતા માતા પર પણ આંખલાએ હુમલો કર્યો તો હુમલાના કારણે હોબાળો મચતા સ્થાનિકો મદદ માટે દોડી આવ્યા મહત્વનું છે કે મોરબીમાં રખડતા ઢોરનો ત્રાસ સતત વધી રહ્યો છે तो सुरेन्द्रनगर ना बगोदरा लीमड़ी वच्चे रात्रे भेदी अवकाशी नजारो जोवा मळ्यो हतो आकाश में प्रकाश फेंकती वस्तुओ जोवा मळता लोको में कुतूहल सर्जायो तो बगोदरा थी लीमड़ी वच्चे ना गामो में अवकाशी नजारो जोवा मळ्यो हतो त्यारे कोई खगोलीय पदार्थ हतो के वस्तु तेने लईने सवाल उभा थया छे तो मामलतदार अने तंत्रनी टीमे अवकाशी नजारा में कयो पदार्थ हशे ते अंगे तपास शुरू करी छे अमित शाह 26 ऑक्टोबर सुधी 6 दिवस प्रवासे छे अमित शाह दिवाळी पर्व ने नव वर्ष भाजपना कार्यकरो साथे मनावशे चारे जोन में स्थानिक आगेवानो अने कार्यकरो साथे अमित शाह मुलाकात पण करशे तो भाजप अध्यक्ष सी आर पाटिल अने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पण हाजर रहेशे उत्तर गुजरात की बैठक पालनपुर में योजाशे जयरे मध्य गुजरात की बैठक वडोदरा तेमज सौराष्ट्र की बैठक सोमनाथ में योजाशे तो दक्षिण गुजरात की बैठक नु वलसाड में आयोजन करवामां आव्युं छे ગુજરાત અને હિમાચલમાં આગામી સમયમાં ચૂંટણી યોજાવાની છે ત્યારે મિશન 2022 માટે દિલ્હીમાં કોંગ્રેસની સ્ક્રીનિંગ કમિટીની બેઠક યોજાઈ હતી આ બેઠકમાં આગામી ચૂંટણીમાં પાર્ટી કેવી રીતે કામ કરશે તેમજ બેઠક મુજબ નક્કી કરાયેલી પેનલનું ડોકેટ ઇલેક્શન કમિશન માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું તો સાથે જ આગામી 26 ઓક્ટોબરના રોજ દિલ્હીમાં કોંગ્રેસની સેન્ટ્રલ ઇલેક્શન કમિટીની બેઠક મળશે ત્યારબાદ ચૂંટણીમાં કયા ઉમેદવારોને ટિકિટ આપવી તે મામલે ચર્ચા કરવામાં આવશે
तो बीजी तरफ बैठक में हाजरी आपवा माटे गयेला गुजरात कांग्रेस नेताओं फरी गुजरात फरशे। तो अमदावाद में मिशन 2022 माटे कांग्रेस परिवर्तन संकल्प यात्रा नु आयोजन करशे। जो यात्रा दक्षिण गुजरात में 7 जिला ने, मध्य गुजरात में 9 जिला ने, उत्तर गुजरात ना 6 जिला ने कवर करशे। तेमज सौराष्ट्र कांग्रेस पण बे परिवर्तन संकल्प यात्रा योजी 7 जिला ने कवर करशे। कांग्रेस नी परिवर्तन संकल्प यात्रा 1 नवम्बर थी शुरू थशे, जे अंदाजित 10-10 दिवस नी रहेशे। तो दियोदर ना कोतरवाड़ा गामे 7 तालुका नो गुजरात क्षत्रिय ठाकुर सेना नो स्नेह मिलन कार्यक्रम योजायो हतो। जो के दिवाळी पहला स्नेह मिलन कार्यक्रम योजाता चूंटणी ने ध्यान में राखीने कार्यक्रम राखवामां आव्यो होवानो गणगणाट शुरू थयो हतो। तो आ कार्यक्रम में वावना कांग्रेस धारासभ्य गेनीबेन ठाकुर नी गैरहाजरी उड़ीने आंखे वळगी हती। अल्पेश ठाकुरे गेनीबेन नु नाम लीधा वगर प्रहार कर्या हता। अल्पेश ठाकुरे कह्युं हतुं के 2017 नी चूंटणी में मारी सामे थयुं माथू नमावता हता अने एज मने हरावा मैदाने पड्या छे। तो वडोदरा शहर अने जिला ने कुल रूपया 787 करोड़ ना विविध विकास कार्यो ने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ना हस्ते भेट मळी। त्यारे आ विविध विकास कार्यो नु मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले गांधीनगर थी लोकार्पण अने ई खातमुहूर्त कर्युं हतुं। आ कार्यक्रम में गांधीनगर थी जीवंत प्रसारण करवामां आव्युं। वडोदरा में सर सयाजी राव नगरगृह खाते मेयर केयू रोकड़िया अने सांसद रंजनबेन भट्टनी विशेष उपस्थिति में स्थानिक कक्षानो कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो। सूरत में विश्वास विकास यात्रा नु आयोजन करवामां आव्यो। आ कार्यक्रम में तेओए कांग्रेस नेता शिवराज पाटिले निवेदन नो जवाब आपता कह्यु हतु के अलग अलग नीति मुजब धार्मिक लागणी ने हानि पहोंचाडवानो प्रयास करवामां आवी रह्यो छे। कोई पण राजनेता धर्म ने अथवा तो धार्मिक लागणी हानि न थाय तेनुं ध्यान राखवुं जोईए। जो कि ज्यारे ज्यारे चूंटणी आवे छे त्यारे देशनी तमाम ताकत लगावी गुजरातना लोकोने गैरमार्गे दोरी अशांति फैलावाना प्रयासो करे छे। तो राजकीय नेता समाजने अलग पाडवानी वातो करे छे ते तपासनो विषय कही शकाय। कांग्रेसना प्रवक्ता आलोक शर्माए जणाव्युं हतुं के भाजप अने एआईएमएमना पक्ष मळीने धर्म समाजने लईने मतोनुं विभाजन करीने चूंटणीओ जीते छे। यूपी उत्तराखंड दिल्ली तमाम जग्याओ पर एआईएमआईएमए भाजपने मदद करी छे अने गुजरातमां पण भाजप अने एआईएमआईएमए खानगी मुलाकात करी हती। तो वधुमां तेमणे जणाव्युं हतुं के भाजप गुजरातना युवानोने उड़ता गुजरात तरफ लई जई रह्युं छे। तो गांधीजीनी जन्मभूमि पर करोड़ोनो ड्रग्स सिगरेट गांजा दारू बने छे। तमज पीएम ना उत्तराखंड ना प्रवास ने लईने कह्युं हतुं के चूंटणी आवता ज वडाप्रधान मोदी मंदिरों में जाय छे। तो गीर सोमनाथ ना तलाला ना धावा गामे तांत्रिक विधि माटे बाळकी नी हत्या मामले वधु बे आरोपीओ झड़पाया। तो बाळकी नी कोई अर्चना उर्फ ज्योति जैनेश ठुम्मर अने गोपाल भाई अकबरी ने झड़पी पाडवामां आव्या। त्यारे आरोपी अर्चना उर्फ ज्योति बलिकांड में आरोपी ने दुष्प्रेरणा अपनार होवानो पोलिस तपास में सामे आव्यु छे। तो वडोदरा ना करजण हाईवे पासे थी विदेशी दारू झड़पायो। भरूच थी वडोदरा तरफ जती बोलेरो जीप में दारू नो जत्थो जोवा मळ्यो जेने पोलीसे झड़पी पाड्यो। तो विदेशी दारू नो जत्थो जनरेटर मशीन नी आड़ में लई जवातो हतो। तो हाल पोलीसे विदेशी दारू नो जत्थो झड़पी पाड़ी कायदेसर नी कार्यवाही हाथ धरी छे। अमदावादना साबरमती विस्तार में मुगबधिर युवती साथ दुष्कर्म करनार मूल कलकत्ता अवधर्मी नराधमनी पुलिस धरपकड़ करी हती। युवती घर में एकली हवानी तकनो लाभ लईने आरोपी नराधमे दुष्कर्म आचर्यु हतु। आरोपी मूल कलकत्ता नो रहवासी छे। त्यारे आरोपी 3 महीना पहला मजूरी करवा जता अमदावाद आव्यो हतो। 21 वर्षना आरोपी ए मुगबधिर युवती घर नजीक थी अवार नवार निकळतो हतो ज्यारे दुष्कर्म आचर्यु। तो गांधीनगर सेक्टर 24 में गुरुवार मोड़ी रात्रे अजाण्या शख्सोए खानगी बैंक में रूपया 21 लाख की चोरी करी होवानुं सामे आव्युं हतुं। त्यारे दिवाळीना तहेवार वच्चे 5 शख्सो गाड़ी में उतरीने गैस कटरना माध्यम थी
एटीएम मशीन ने तोड़ी नाख्यो हतो। घटनानी जाण थता स्थानिक पोलीस सहित आईसीबीए घटनास्थले पहोंचीने तपासनो दौर शुरू कर्यो तो पोलीसे सीसीटीवी ना आधारे आरोपी भागवानी दिशामां वधु तपास हाथ धरी। तो राजकोटना मारवाड़ी युनिवर्सिटी में लालबत्ती समान घटना सामे आवी छे त्यारे मारवाड़ी युनिवर्सिटी में त्रण विद्यार्थीओ एक विद्यार्थी ने नग्न करीने तेनी गुप्त जग्या पर सैनेटाइजर अने मध लगाव्या बाद ब्रश घसायो तो आवी क्रूरताथी रेगिंग करता विद्यार्थी गंभीर इजाग्रस्त थता सारवार अर्थे हॉस्पिटल खसेड़वामां आव्यो। समग्र घटनाना पगले पोलीसने जाण थता पोलीसे दौड़ी आवीने श्रेष्ठ विरुद्ध कृत्य सहितनी कलम लगावीने गुनो दाखल करीने त्रण आरोपीओनी धरपकड करी छे। तो राज्यमां वर्क परमिटना नामे अनेक लोको साथे छेतरपिंडीना किस्सा सामे आवी चुक्या छे त्यारे गुजरात एटीएसए नरोडा खातेथी डुप्लीकेट वीजा बनावानुं कौभांड झड़पी पाड्यो। जेमां खोटा वीजा बनावनारा चार आरोपीओने धरपकड करी हती। आरोपी रूपिया 20 लाखथी 22 लाखमां वीजा बनावीने आपी देता हता। तो आरोपीओ निलेश पंड्या, जय त्रिवेदी, मयूर पंचाल तो पीयूष पटेल जे लोकोने विदेश जवानी उतावळ होय तेने प्रथम टार्गेट करता हता। तो आरोपी पासेथी पोलीसने 5 पासपोर्ट मळी आव्या छे। मोडासाना कौ सेवा सहकारी मंडळमां ₹85 લાખની ઉચાપત કરવામાં આવી તો પૂર્વ સેક્રેટરી દ્વારા હિસાબમાં ગોટાળા કરી ઉચાપત કરી હોવાની પોલીસ ફરિયાદ કરવામાં આવી। તો જાન્યુઆરી 2017 થી 2019ના दरमियान उचापत करी फरियाद कराई छे त्यारे खोटा वाउचर खेडूतोना नामे केसीसी लोन सहितना खातर नामे 85 લાખ રૂપિયા અંગત ઉપયોગમાં લીધા હોવાનું સામે આવ્યું। તો ઓડિટરના રિપોર્ટમાં સંપૂર્ણ હકીકત બહાર આવી તો ઓડિટરે જિલ્લા રજિસ્ટ્રારને કરેલા રિપોર્ટ બાદ પોલીસ ફરિયાદનો આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો। ઉપલેટા તાલુકાના ગદેથડ તથા નાગબદર ગામે ગેરકાયદેસર ખનીજની ચોરી ઝડપાઈ। ઉપલેટા મામલતદાર દ્વારા ગધેધડથી નાગવદર ગામે સ્થળ તપાસ કરતા કુલ 4,20,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત થયો હતો। જો કે ઈસમો સ્થળ પરથી ભાગી છૂટ્યા હતા ત્યારે મામલતદાર દ્વારા રેતી ચારવાના કુલ 7 સહિતનો મુદ્દામાલ ઉપલેટા પોલીસે સોંપી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। ખેડા જિલ્લાના ગાડવેલ પાસે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો। એક જ બાઇક પર 3 યુવકો બેસીને મજૂરી અર્થે જઈ રહ્યા હતા તે દરમિયાન તેમનું બાઇક ડિવાઇડર સાથે અથડાતા 3 યુવકોના ઘટનાસ્થળે મોત નિપજ્યા। તો આ બનાવની જાણ પોલીસને થતા સ્થાનિક પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને ત્રણેય મૃતદેહને પીએમ અર્થે ખસેડીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। કેશોદના બાયપાસ નસલ હાઈવે પર મોટરકાર અને બાઇક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો જેમાં બાઇક ચાલકનું મોત નિપજ્યું તેમજ અન્ય બાઇક સવારની હાલત ગંભીર હોવાનું જૂનાગઢ ખસેડવામાં આવ્યા। તો મોટર ચાલકે સ્ટેરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા બાઇક સાથે અથડાઈ અને ડિવાઇડરની બાજુમાં પલટી મારી જતા મોટરસાયકલમાં 2 બાળકો સહિત 8 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે। તો સમગ્ર મામલે કેશોદ પોલીસ ઘટનાસ્થળે આવીને તપાસ શરૂ કરી છે। સુરતના ઉધના છત્રપતિ શિવાજીનગરમાં મોપેડમાં આગ લગાવી દેવામાં આવી ત્યારે કૌટુંબિક ઝઘડામાં સગા મામાએ ભાણેજને મોપેડને આગ ચાંપી દીધી ત્યારે સુરત ઉધના પોલીસે મામાની ધરપકડ કરીને પૂછપરછ કરતા મોપેડ પર જ્વલનશીલ પદાર્થ છાંટી આગ લગાવી હોવાનું કબૂલાત કરતા પોલીસે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી। તો દિવાળીના તહેવારોની ઉજવણી શરૂ થઈ ચૂકી છે ત્યારે આજે સાંજે 6 વાગ્યાથી ધનતેરસ પર્વની શરૂઆત થશે અને આવતીકાલે સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ધનતેરસ ઉજવાશે। આજે ધન્વંતરી પૂજા અને યમ દીપદાનના પણ કરાશે ત્યારે ધનતેરસની ખરીદી માટે આખો દિવસ શુભ રહેશે। આજે દરેક પ્રકારની ખરીદી, રોકાણ અને નવી શરૂઆત માટે આખો દિવસ શુભ મુહૂર્ત રહેશે। તો આજે ત્રિપુષ્કર યોગ પણ બની રહ્યો છે। માન્યતા છે કે આ યોગમાં કરેલા કાર્યોનું 3 ગણું ફળ મળે છે। તો અમદાવાદના મણિનગરમાં કુમકુમ મંદિરમાં દર વર્ષે અનોખી રીતે ચોપડા પૂજન કરવામાં આવે છે ત્યારે આ વર્ષે પણ દિવાળીના દિવસે 6 ફૂટ લંબાઈ અને 3 ફૂટ પહોળાઈ ધરાવતા વિશાળ ચોપડા અને લેપટોપનું પૂજન કરવામાં આવશે। 24 તારીખે દિવાળીનો પર્વ હોવાથી આ દિવસે સવારે 9:30 વાગ્યાથી લઈને 11 વાગ્યા સુધી કુમકુમ મંદિરોમાં ચોપડા પૂજન થશે।
जेमां मोटी संख्यामां वेपारीओ पण भाग लेशे। महत्वनुं छे के कुमकुम मंदिरोमां छेल्ला 31 वर्षथी विनामूल्ये वेपारीओने चोपड़ा पूजन करावामां आवे छे।